असलामुअलैकुम। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ। अब तो आपको ना ये डायलॉग सुन सुन के बिना मतलब आदत हो गई होगी। सबसे ज़्यादा सुने जाने वाला आपका डायलॉग। तो हाय गाइस, कैसे हो आप लोग? और आगे मैं एक और ब्रांड न्यू वीडियो के साथ ब्ला 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 क्या क्या बोलता रहा था मैं। तो गाइस, नया सीज़न आ चुका है। आप ना 1 में से 10 नंबर दोगे नए सीज़न को कॉमेंट्स में। और बाकी कॉमेंट्स एक दूसरे के रीड किया करो गाइस, बड़े मज़े कॉमेंट्स होते हैं, मैं भी रीड करता हूँ। आप लोग भी एक दूसरे के कॉमेंट्स रीड करके उन्हें लाइक्स वगैरह किया करो और कमेंट्स में अलग इन्जॉय कर लिया करो वीडियो की तरह। तो गाइस, थोड़ा सस्ती शायरी आपको सुनाएंगे। और सस्ती शायरी है नए सीज़न के ऊपर के जिनके पास है यूसी नहीं, मतलब जिनके पास यूसी नहीं है, थोड़ा सा ख़राब हो गया। ओके, दोबारा करते हैं कि जिनके पास यूसी नहीं है वो हैं उदास, जिनके पास यूसी है वो हैं खुश। वाह 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 वाह। जिनके पास यूसी नहीं है वो हैं उदास, जिनके पास यूसी हैं वो हैं खुश। मुझ समेत सबके सब कैंपिंग करके करेंगे रैंक पुश। सस्ती शायरी, अजीब शायरी, आज तो मैंने बड़ी लंबी कर दी शायरी और ज़्यादा लफ्ज़ भी नहीं मिले, बट सस्ती शायरी विद एनोनिमस बाबा जी। लेकिन ये बात है ना गाइस, अब मैं मुझ समेत सबके सब रैंक पुश कर रहे हैं। और आज मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट बातें बताने वाला हूँ। एक तो ट्रिक है जो एक एनिमी हम पे इस्तेमाल करने वाला था, वो उसके बारे में आपको बताऊँगा। और दूसरा ट्रिक, दूसरी एक वो है लाइक इन्फॉर्मेशन शेयर करनी है कि जो केडी था गाइस वो हो चुका है, केडी का सिस्टम एकदम चेंज है। मैं आपको थोड़ा सा उसको डिटेल में समझाऊंगा। जो पहले का होता था ना केडी, वो ऐसे होता था कि अगर आपने गेम में 25 किल कर ली और आप नहीं मरे तो मतलब आपका केडी वो कंटिन्यू होगा, ठीक है? लाइक आप वो केडी आपका आगे चलेगा, मतलब चिकन करके आप अपना केडी ज़्यादा कर सकते थे। अगर आपका लाइक वो पहले वाला सिस्टम ऐसा था, आपने 2 किल किए चिकन किया, ठीक है, फिर से 2 किल किए चिकन किया, फिर से 2 किल किए चिकन किया, तो आपका केडी 2 का नहीं होगा, आपका केडी होगा 6 का, क्योंकि आप तीनों मैच में एक बार भी नहीं मरे। ये था पुराना सिस्टम जो हमेशा से चलता आ रहा था। तो ये मेरा आप समझाना अपनी पब्लिक को तो बनता है ना। तो लाइक वो ऐसा था, आपने 3 मैचों में 2-2 किल किए, आप तीनों बार नहीं मरे, आपने चिकन डिनर कर लिया, तो आपका केडी 2 का नहीं होगा, आपका केडी होगा 6 का, क्योंकि आप मरे नहीं उसमें। लेकिन इस सीज़न इन्होंने केडी सिस्टम कर दिया चेंज। अब क्या है, अगर वही सेम मेथड आप करोगे कि वही सेम सिस्टम अब चलेगा, जैसे कि आपने 2 किल किए, आपने चिकन किया, आपने 2 किल किए, आपने चिकन किया, फिर से आपने 2 किल करके चिकन कर लिया, तो पहले होता था 6 का केडी, लेकिन अब होगा 2 का केडी। मतलब इन्होंने अब ये सेट कर दिया कि मतलब गेम में आप अगर, अरे मैं थोड़ा सा और समझाता हूँ मैथमेटिक्स के हिसाब से, कि आपका जो किल्स है ना उनको आप गेम पे डिवाइड कर दो तो वो आपका केडी हो जाएगा। मतलब अगर किल्स आप अपने गेम पे डिवाइड करोगे तो आपका केडी, तो इन्होंने काफ़ी कम कर दिया। अब इससे क्या नुकसान होगा, जिनका केडी गाइस पहले 5-6 का होता था उनका 2-3 का आ जाएगा, जिनका 2-3 का होता था उनका 1-2 का आ जाएगा, और जिनका 1-2 का होता था उनका 0.50 वाला चलने लग जाएगा। तो मतलब अब सबका केडी डाउन हो जाया करेगा, क्योंकि इन्होंने सिस्टम ऐसा कर दिया है, वो अब अलग से शो होगा, अलग मेथड से केडी जो है वो शो हुआ करेगा गेम में गाइस। तो अभी तक लाइक बटन का मैंने नहीं बोला गाइस, सबके सब ठोक दो लाइक बटन जिन्होंने अभी तक लाइक बटन नहीं ठोका। और कोई एम नहीं रखेंगे, बस आप जितना प्यार करते हो उतने लाइक्स कर देना अपने एनोनिमस से। और गाइस, उसके बाद हमने उठाई थी अपनी घर गाड़ी और हम जा रहे थे अपने घर पचिंकी, मतलब रावलपिंडी, मतलब पिंडी की साइड पे स्क्वाड हाउस, मतलब एनोनिमस हाउस पे। और ये बॉट है, इसको मारने के बाद मैं यहाँ पे पचिंकी आ जाता हूँ गाइस। और यहाँ पे गाड़ी घुमा रहा था कि बंदे हों, लूटर था बट कोई बंदा शो नहीं हुआ मुझे, तो मैं अभी गाड़ी यहाँ पीछे अपने एनोनिमस हाउस की बैक साइड पे लगा दूंगा, डर से नहीं है वरना अंदर लगाते। और हमारे पास है फ्लेयर, मतलब गाइस पिचकारी, तो वो हम चलाएंगे हवा में। और मुझे एक और बात याद आ गई कि मैंने आपको बताया ना वो यूसी गिफ्ट किए थे, तो उनका ईमेल आया हुआ था, मैंने ईमेल चेक किया तो लाइक भाई कह रहे थे कि वो, अब गाइस इतना अच्छा लगता है ना कि वो एक काम करते हैं, लाइक उनकी गाड़ी आ गई, ये हो जाता है गाइस रश। मैं आपसे वो बात कंटिन्यू करूँगा। तो यहाँ पे गाइस मैंने एक को डाउन किया और फिर दूसरा आखिरी बंदन का यहाँ पे रहा, तो ये पाकिस्तानी स्क्वाड था बाबा जी, हमने मौत को छुआ और टक से वापस आ गए। उनका नाम भी बाबा है, तो मतलब बाबा नहीं हम बोलेंगे, बाबा जी, थोड़ा सा अलग H2O बाबा जी, बाबा जी, हमने मौत को छुआ टक से वापस आ गए। तो गाइस वो क्या सीन था कि मुझे एक मेल आया था भाई का, वो बोल रहे थे कि भाई मैं सऊदी अरब मक्का मुकरमा से आपकी वीडियोस देखता हूँ अपनी फैमिली के साथ, लाइक वो एक मुझसे एज में बहुत बड़े हैं, ओके, तो मतलब उनकी फैमिली है, उनके बच्चे हैं, उनके बच्चे भी जो हैं वो 12 साल का एक है और एक 9 साल का है, तो लाइक इतने बड़े हैं वो, मेरी वीडियोस अपने बच्चों के साथ देखते हैं। तो
वो सुन के काफ़ी अच्छा लगा था। उन्होंने बोला कि भाई हम मैंने है ना आपको गिफ्ट भेजा था, तो गिफ्ट कैसा लगा भाई? गिफ्ट तो आपने भेज दिया, थैंक यू सो मच, उस आपकी वजह से मेरी M4 निकल आई, तो लव है आपको भाई, चुम्मी चुम्मी, गीली गीली चुम्मी आपको। उनके लाइक वो बोल रहे थे कि हमारे बच्चों को शाउट आउट दे दो, उनको अच्छा लगेगा। तो उनके एक बेटे का नाम था उजैर और एक का नाम था अब्दुल्ला। दोनों को मेरा शाउट आउट और मेरा प्यार वीडियो देखने के लिए। जो जो बंदे मेरी वीडियोज़ देखते हैं और अपना लाइक दिन उनका थोड़ा सा भी अच्छा हो जाता था, तो भाई थैंक यू सो मच, आप मेरी वीडियोस देखते हो, प्यार दिखाते हो, सपोर्ट करते हो। गाइज ये वाला बंदा, इसकी M4 अपग्रेडेड थी, आपने उस टाइम किल फील्ड में नाम भी देखा होगा। ये सोलो था, एक नेट किया बच गया, अब हम दूसरा फेंकेंगे, शायद से दूसरा भाई के पिछवाड़े फट जाए। अच्छा कॉमेंट करो गाइज, फटेगा या नहीं फटेगा, पॉज कर दो वीडियो, चीटिंग नहीं, फट गया सही वाला। ये सोलो स्क्वाड खेल रहा था गाइज, और उसके पास ना लाइक M4 अपग्रेडेड हो रहा होता ना, मम्मी डैडी अरबी प्लेयर्स ये वो थे। हमने तो भाई बस पता नहीं कैसे ना कैसे Level 3 कर ली, इंशाल्लाह Level 4 करूँगा और फिर वो किल फील्ड में नाम भी आ जाए करेगा। तो ये तो गाइज मैं करता भी ना होता, वो लाइक इतने ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे, अबे अनोनिमस इतना बड़ा चैनल कर लिया, अल्हम्दुलिल्लाह, ये सिर्फ मैं बोल रहा हूँ ओके गाइज, हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र अदा करना चाहिए। लेकिन एक भी गन अपग्रेड नहीं की हुई, अपग्रेड कर ले, फिर हमने अपग्रेड कर ली, फिर गाइज यहाँ पर आए थे। और आपने देखा ये पबजी का बहुत अच्छा ग्लिच लगता है मुझे, कि दूर से गाड़ी रेंडर हो जाती है। अब यहाँ पे US रेंडर हुई थी, और US रेंडर हुई थी इसके गैराज के अंदर, और गैराज में कभी US नहीं होती, तो मैं समझ गया था यहाँ पे बंदे हैं। आप बैक करके देख सकते हो लाइक दूर से ना गाड़ी खड़ी नजर आ रही थी, ब्रिज कैंप पे भी ऐसे पता चल जाता है ब्रिज कैंप है या नहीं है ना गाइज। ब्रिज पे गाड़ी जो होगी ना असली वाली वो रेंडर हो जाती है, और यहाँ पे गाड़ी रेंडर हो गई थी। तो गाइज उसके बाद हम लूट करके यहाँ आ जाते हैं, और अभी उस बंदे ने जो गाड़ी की ट्रिक यूज़ की थी वो मैं आपको बताऊँगा आगे जाके, वो बड़ी खतरनाक ट्रिक है। मैंने आपको लाइक एक इन्फॉर्मेशन तो दे दी कि KD कैसे चेंज हुआ, और KD अब सबका कम हुआ करेगा, और अब मैं आपको लाइक वो भी बताऊंगा ट्रिक, लेकिन जब हम वो गेम प्ले में आगे चले जाएंगे फिर मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि उसने कौन सी ट्रिक यूज़ की थी, और आप भी कर सकते हो। तो गाइस यहाँ पे बंदे होते हैं, हमने अपनी MK14 निकाल ली, और सामने पूरा का पूरा स्क्वाड हमारा कर रहा था इंतजार बाबा जी। कैंपिंग Level 99999, जिंदगी खतरे में आ गई बाबा जी अचानक से। और फिर मैं यहाँ पे हील किया, और एक बंदा इनका गाइस क्लोज में सांप बना हुआ था, मेरी टीम मेट मार्क किया, मैंने भी उसको देखा, अब मैं हाथ जाकर डाउन करूंगा। अच्छी बात है मेरे टीममेट को मारा था तो मैं बच गया, लेकिन ऊपर सीढ़ियों पे हो रही है कैंपिंग, उसके पास भी MK थी, मेरे पास भी MK थी, बट मुझे उसकी पोजीशन नहीं पता थी, उसको पता था सीढ़ियों से आएगा, तो इसलिए उसने MK से मेरी बैंड बजा दी, मैं नॉक हो गया, और वो भी लो था, बट मेरे टीममेट्स ने उसको मारा तो ये किल हमें नहीं मिला बाबा जी। उसके बाद हम फौरन से अपने आपको हील करेंगे, इनकी मदद से लूट करेंगे। और गाइस वो जो ट्रिक है ना वो बहुत ही मज़ेदार ट्रिक है, और वो आप कहीं भी यूज़ कर सकते हो लाइक चलो वो डिटेल में तभी बताऊंगा, बट हाँ आप वो यूज़ कर सकते हो। हाँ अगर मैं लॉबी में आ गया ना तो प्लीज़ मेरे खिलाफ यूज़ मत करना, आपकी मेहरबानी, वरना प्रैंक हो जाएगा। और एनिमीज़ के खिलाफ कर सकते हो, हाँ एनिमीज़ की पब्लिक जो है वो आपस में एक दूसरे के खिलाफ यूज़ करेगी, ये भी थोड़ा सा बुरी बात हो जाएगी। हो सकता है आप में से काफ़ी बंदों को ये ट्रिक पता हो सकता है काफ़ी बंदों को नहीं पता हो। तो अभी सैरी का टाइम होने वाला है, एडिट करूँगा, अपलोडिंग पे लगाऊंगा, सैरी करूँगा, और उसके बाद हम लोग रैंक पुश करेंगे। रैंक पुश के मुतालिक मैंने आपको गलत नहीं बताया, मैं कर रहा था TPP मिडिल ईस्ट कॉन्कर करने के लिए मैं प्ले किया, बट ना वो इतना मुश्किल हो गया ना गाइज, अगर मैंने 10 गेम खेली ना यकीन करो 6 में हैकर मिले, और वो सारे अरबी हैकर पुश कर रहे थे रैंक, और इतना मुश्किल हो रहा था। तो मैंने ना FPP में पुश करना स्टार्ट कर दिया, बस इंशाल्लाह FPP में कर लूँगा, वो भी सिर्फ चलो टाइटल मिल जाएगा। गेम प्ले तो मुझे नहीं लगता कॉन्कर पे जाने से गेम प्ले इंप्रूव होता है, उल्टा जो है ना वो डाउन हो जाता है, क्योंकि आपको काफ़ी कैंपिंग काफ़ी होल्ड करना पड़ता है। तो लाइक मुझे लगता है कैंपिंग वगैरह करने से कॉन्कर पुश करने से आपका गेम ख़राब होता है, तो FPP इंशाल्लाह मैं पुश करूँगा इस बार ताकि हो जाए, वरना हैकरों से मर के गाइस नहीं हो सकता भाई। आपको चिकन चाहिए होता है और आप हैकरों से मरोगे तो कहाँ से पुश कर पाओगे गाइज। ये स्क्वाड इन्होंने काफ़ी गंदा स्प्रे दिया था गाड़ी पे, और मेरी गाड़ी हो गई थी डाउन, वहाँ पे मेरे टीममेट ने बंदा स्क्वाड किया, यहाँ से मुझे साउंड आया, मैंने यहाँ पे रश किया, और यहाँ हमारे साथ प्रैंक होने वाला है। पहले टाइम पे मैं मिस कर गया और वो उधर चला गया। अब ये देखो गाइज यहाँ पे क्या सीन होता है, अब गलती स्पॉट करो गाइज, और कमेंट करके बताओ कि मैंने यहाँ पे क्या गलती कर दी, देखते हैं आप लोगों ने आपकी नज़रें कितनी तेज़ हैं, ये चीज़ देखेंगे कि किसने गलती पकड़ ली। ओके तो जब मुझे यहाँ पे लगा कि मेरी गन सिंगल पे है तो मैं फ़ौरन से उसको ऑटो पे की बेइज्जती सी हो जाती है, यहाँ पे मर जाते, सिंगल पे टैप 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 करता, लेकिन मेरे दोनों टीममेट्स गाइस डाउन है, और मैं मेडकिट लगाऊंगा और फिर अपने टीममेट को रिवाइव दूंगा। और यहाँ पे ये सीन हो गया था कि पहले मैंने MK मिस की, और MK क्या गाइस ये थोड़ा सा नुकसान है कि इसकी गोलियाँ ना बड़ी जल्दी जो है ना वो यूज़ हो जाती हैं, और फिर रीलोड लग जाती है। तो फिर मेरे दोनों टीमेट्स डाउन थे, मैं एक को रिवाइव दे सकता था जो कि बिल्कुल पास है, दूसरी टीममेट जो हमारे फिनिश हो जाएंगे, और फिर हम लाइक थोड़े सा खतरे में आ जाएंगे और उनको फिनिश कर दिया जाएगा। ये पाकिस्तानी स्क्वाड था गाइस, और इनका फ्लैग हाँ पाकिस्तानी था, एक ने शायद सऊदी अरेबिया का फ्लैग लगा रखा था, लेकिन वो भी पाकिस्तानी भाई थे। अब इनको मेरी पोजीशन नहीं पता, बुरी बात ये है, एक को डाउन किया, मतलब मेरे लिए नहीं बट भाई लोगों के लिए बुरी बात ये है कि इनको पोजीशन नहीं पता।
अब इस भाई को पोजीशन नहीं पता, और लेकिन ये लूट करेंगे नहीं मतलब क्या, नहीं मतलब लूट रहा नहीं मतलब क्या भाई, इतनी क्या इतनी लूट का क्या करोगे। इनके एक टीममेट ने गाइस अक्ल इस्तेमाल की, वो बाहर सांप बन गया। अब मुझे भी स्पॉट नहीं हुआ, मेरे टीममेट को भी स्पॉट नहीं हुआ। अब लाइक हमें लग रहा था यहाँ टीपी भी ले रहा होगा कॉर्नर पे, बट वो बाहर गया घास में लेट गया, तो उसने मुझे नॉक कर दिया और मेरे टीममेट को लाइक फिनिश कर देता। उसको भी पोजीशन नहीं पता थी, बट उसने जंप वम करके काफ़ी देर बाद स्पॉट किया और फिर डाउन कर दिया, और ऐसे मौत के मुँह में गए, बट टक से वापस आ गए बाबा जी। और अरीना में हाँ टीडीएम में एक नई गन भी आई है, तो आज हम उसको भी देखेंगे कैसी गन है। तो पहले तो यहाँ पे हम हील करेंगे बाबा जी, और हील करने के बाद इनकी करेंगे लूट, क्योंकि लॉ ऑफ एनोनिमस है कि लूट का नो मजाक, लूट आपको भी नहीं छोड़ो, लूट कोई टीममेट को नहीं देनी। और यारी पक्की पक्की, दोस्ती पक्की पक्की, मोहब्बत पक्की पक्की, बट लूट किसी के साथ शेयर नहीं करनी बाबा जी, ये हमारा असूल है, ये हमारा रूल है। उसके बाद गैज मैं यहाँ पर एडलिन मार लूँगा। अब बुरी बात यह है कि गैज मेरे पास वेस्ट जा चुकी है, लेकिन अच्छी बात यह है सिर्फ दो अलाइव हैं, और ये दो भी है ना 2v2 फाइट है। और अभी मैं वेस्ट लेने के लिए ड्रॉप पे जाऊँगा यहाँ पे, और ड्रॉप पे जाने के बाद हम उस ट्रिक के बारे में बात करेंगे गैज, लाइक वहाँ जाके आपको थोड़ी सी समझ आ जाएगी ना कि कैसे करनी है वो। तो आपको अगर पता तो ठीक है, लेकिन नहीं पता तो आपको पता चल जाएगी। बहुत अच्छी लाइक IQ यूज़ करना उसे कहते हैं गैज। अब मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताऊँगा। गाड़ी हमारी ब्लास्ट थी, तो मैं गैराज की तरफ जाने लगा। अब जिस बंदे को हमने पहले मारा था ना, उसने क्या किया, आगे से कर दिया रास्ता बंद, और रास्ता क्या बचा, सिर्फ पीछे वाला डोर, ठीक है। अब उस बंदे ने क्या किया, US अंदर खड़ी की हुई थी, US को किया होता, लाइक उसने ये गलती कर दी, US को डैमेज नहीं किया। अगर US को वो बिल्कुल लो कर देता ना, लाइक हेल्थ गाड़ी की बिल्कुल लो कर देता, धुआं निकलने लग जाता, तो आगे से रास्ता बनता, इस डोर से जो भी जाता ना, अभी जैसे मैं साइलेंट को जानबूझ के भेजा था कि जा अंदर गाड़ी निकाल ले, लेकिन उसको जाता था फट जाए। अब देखो आगे से रास्ता बनता, जो गाड़ी लेने आएगा पीछे से आएगा, पीछे से आके डोर खोलेगा। उस बंदे ने क्या किया था कि गाड़ी ना डोर के साथ लगाई हुई थी, मतलब डोर खुलेगा गाड़ी को लगेगा, गाड़ी को लगेगा गाड़ी जो है वो डैमेज हो जाएगी, और डैमेज होगी तो ब्लास्ट हो जाएगी, और बंदा नॉक नहीं होता गाइस, ऐसे सीधा सीधा फिनिश हो जाता है। तो अभी सलेन ने जाके देखा गाड़ी में हेल्थ वाकई कम हो चुकी थी इसकी। तो आप लोग क्या करो, आगे से कर दो रास्ता बंद, अंदर गाड़ी खड़ी है तो रास्ता बंद बेशक ना करो, क्योंकि उनको नहीं पता होता। अब आपके लक के ऊपर है ना कि अगर पीछे से बंदा आ गया तो वो फट जाएगा। गाड़ी को एकदम लो कर दो, गाड़ी लगा दो बिल्कुल किसी भी दरवाजे के साथ, जब भी बंदा वो दरवाज़ा खोलेगा, दरवाज़ा खुलने से दरवाज़ा गाड़ी को लगेगा, और गाड़ी को लगने के बाद डैमेज हो जाएगा गाड़ी को, और उससे गाड़ी ब्लास्ट हो जाएगी, और बंदा फ़ौरन से डायरेक्ट किल हो जाएगा। तो ये ट्रिक है गाइस, जिससे उस बंदे ने हमें मारने की कोशिश की, बट हम आगे से आ गए, और फिर मैं साइलेंट को भेजा पीछे से, साइलेंट फटा नहीं, मैं चाह रहा था मर जाए, फिर मज़ा आया थोड़ा सा ट्रोल करें कि ये क्या हो गया, इसको भी नहीं पता था ये ट्रिक। लेकिन उसने क्या गलती की हुई थी, उसने गाड़ी डैमेज नहीं कर रखी थी, तो इसलिए गाड़ी की सिर्फ थोड़ी सी हेल्थ गई, आधी हेल्थ चली गई दरवाज़ा खुलने से, लेकिन गाड़ी ब्लास्ट नहीं हुई। तो होप सो अगर आपको ये ट्रिक पता थी तो भाई सॉरी, लेकिन अगर आपको नहीं पता थी तो ये आज आपको पता चल गई होगी ये वाली भी ट्रिक। तो उसके बाद गैस अब दो ही बंदे बचे थे, और हम हिल पे आ जाते हैं, और नीचे में बंदे स्पॉट करने का ट्राई कर रहा था, और थोड़ा नीचे बंदे स्पॉट हो जाते हैं, तो हम नीचे भागते हैं। दोनों के दोनों साथ में थे, टीममेट्स से नीचे से भाग कर आ रहे थे, और फिर मैं यहाँ पे M4 निकाल के स्प्रे देता हूँ। तो लो तो गैस वो काफ़ी हो गया था, बट मैंने भी थोड़ा सा बुरा स्प्रे किया यहाँ पे शायद से, ये वाला स्प्रे अल्हम्दुलिल्लाह ठीक था, और यहाँ पे मैंने बंदा डाउन किया। अब एक ही बचा गाइस, और हम आगन पकड़ के आगे की तरफ भागेंगे, और फिर मेरे माइंड में आया कि चलो नेड से मारते हैं बंदा, तो मैं इनके काफ़ी क्लोज आ जाता हूँ। फिर यहाँ पे आके हम निकालेंगे बाबा जी नेड, मतलब ग्रेनेड, मतलब बम, मतलब ठा करके फटने वाली चीज़, और फिर हम नेड निकाल के फेंकेंगे पेड़ के पीछे, दरख्त के पीछे, और बंदा फट जाएगा बूम करके, ठा करके, ढुज। और हमें मिला चिकन विनर डिनर डिनर, और हम हो गए MVP बाबा जी। तो ये था हमारा इस बार, हम TPP में बिल्कुल रश खेलने वाला हूँ, और रश खेल के इंशाल्लाह रश वाले गेम प्लेज आएंगे। तो गाइस उसके बाद हम चलेंगे TDM में, और TDM में इस बार हमने अपने टीममेट्स को चैलेंज किया था कि सब के सब आ जाओ M24 चैलेंज करेंगे, सिर्फ M24 यूज़ करेंगे, और सामने वाले कर रहे थे बाबा जी गन वन यूज़, और हमारी ज़िंदगी काफ़ी खतरे में आई हुई थी। तो M24 हमने निकाल ली, और मैच हुआ, थी मैच, लेट्स गो, और हमने पिछवाड़ा ज़मीन में घिसा, आगे की तरफ भाग रहे हैं। बैग भी निकला हुआ है अल्हम्दुलिल्लाह, हमारा जोकर वाला काफ़ी अच्छा बैग है, लाइक मुझे अच्छा लगा गाइस ये वाला बैग। और देखो गाइस लगी थी, और मैंने ना उसकी बॉडी पे मारी नीचे लाइक टमी वाली साइड पे, उसकी चेस्ट पे लगी थी, और फिर भी एक M24 में बंदा नहीं मरा, तो हम मर गए, कोई बात नहीं। फिर हम दोबारा M24 पकड़ के आगे बढ़ रहे हैं। ये मैंने शॉट मारी मिस हो गई, और ये मैंने शॉट मारी मिस हो गई। आइए आइए गन लेके आ रहे हैं सर जी, ओ गए मेरे भाई, टिकट टिकट आओ, लैन बनाओ। दोनों भाई को यहाँ पे डाउन किया गया, जिसके बाद अपना पिछवाड़ा घिसते हुए दोबारा से आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, और दूसरा टीम मेट आया इसका, ओ ये पास से गुजर गई, और भाई प्री फायर दे रहे हैं, ग्रोजा व्रोजा यूज़ कर रहे थे गाइज ये, और हमारा हम ना लाइक M24 यूज़ कर रहे हैं मज़े से। एक बंदा वो यूज़ करता नई गन, शायद वो मिशन कर रहा था। यहाँ पे हमें किल नहीं मिला, मिस हो गए, और यहाँ पे हमारे एक भाई आएंगे जिनको हम पहले से पीक लेके रेडी हो जाएंगे उनके लिए।
आइए, और यहाँ पे मिस करके हम दोबारा से मतलब बेइज्जती सी हो गई, और ये हमने डाउन किया, और यहाँ पे दोबारा भाई एकदम एम लेके लेट जाता हूँ। और गाइस ये देख लीजिए, बंदा पता नहीं कर क्या रहा था, इसको बॉडी लगा, और ये मीटअप वाला नहीं है, कभी आपको लगे मीटअप वाला नहीं है, मीटअप वाला नहीं है, पता नहीं यहाँ पे खड़ा हो गया था, और हमने पैन से मार दिया। इतना गुस्सा आया होगा ना इसको, मैं बता नहीं सकता गाइस। ये बोल रहा होगा है मतलब गंदी गंदी गालियाँ दे रहा होगा अपनी लैंग्वेज में। फिर हम मरने के बाद उनके टीममेट से दोबारा अपना पिछवाड़ा ज़मीन पे घास पे घिसते हुए आगे की तरफ बढ़ रहे हैं। ये बंदा डाउन किया गाइस हमने पीक लेके, और मरने के बाद दोबारा से गाइस ये देखना, ये फनी है, ये वाकई में फ़नी था। ये बंदा गया राइट में, ठीक है, वही वाला है जिसको हमने पैन से मारा था। ये वहाँ पे टीपी भी ले रहा है, कैंप कर रहा है, और इसके पास गन है, और जैसे बेचारा निकला टीममेट को मारने के लिए, हमने इसको मार दिया M24 से। ये थोड़ा सा इनके साथ प्रैंक हो गया था, इनके साथ मजाक हो गया था, लेकिन अब मेरे पास दोबारा से M24 है, मैं आगे की तरफ आ गया गाइस। और अभी एक बार हमारे साथ भी प्रैंक होने वाला है, वो भी बड़ा फनी है, और हमारी बेइज्जती सी होने वाली है। और ये भाई निकलेंगे, बच गए, नहीं बचे, गए। और फिर गाइस हम अवेट करते हैं इनके बाकी टीममेट्स के आने का, और हमारी लेट भी चल रही थी, 3 की लेट थी। दोबारा से वही वाले भाई है, क्या जिगल करके भाग रहा है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, बूम भाई। ये तो मज़ा है M24 का, लाइक गाइस गुस्सा आता होगा। आप मुझे एक बात बताओ, जब आप M24 से मरते हो, गुस्सा आता है ना कि हम एयर लेके जा रहे हैं, स्प्रे कर रहे हैं, और वो एक करके आके ठा करके मार के चला गया। मुझे भी आता है, बट अब पता नहीं क्यों दिल करता है M24 यूज़ करने का, क्योंकि हम लोग रूम खेलते हैं ना टीममेट्स के साथ, तो M24 की फाइट करते हैं, तो मैं चाहता हूँ मेरा थोड़ा सा M24 गेम प्ले अच्छा हो जाए। और ये भैया पीछे भाग रहे हैं, और मैं पीछे से आके इनकी टीम जो हमारे स्ट्रीक मार रहे थे, काफ़ी स्ट्रीक तोड़ दी उस भैया की, लेकिन पी लिया भैया ने, जिन्होंने हमें काफ़ी बार मारा, इन्होंने हमें फिर से मार दिया। अब गए हमारे 3 टीममेट्स जो हम M24 यूज़ कर रहे हैं, एक बंदा वो रैंडम था, वो कोई और गन यूज़ कर रहा था, हमने नेट निकाला, और सीधा नेट भाई के बम में जाके फटेगा, और यहाँ हमारे साथ प्रैंक होने वाला है गाइस, बेइज्जती होने वाली है, मैं बता रहा हूँ। ये देखो, अब मुझे लगा पीक लेगा, लेकिन इस भैया ने ओ जंप करके कितनी जल्दी मार दिया, बड़ी बेइज्जती सी हो गई, बट मर गए थे ये भाई, लेकिन हमारी बेइज्जती तो हो गई ना गाइस, है ना, कोई बात नहीं, बड़े बड़े शहरों में छोटी छोटी बेइज्जतियाँ होती रहती हैं। फिर हम दोबारा से M24 लेके आगे बढ़ रहे हैं, 3 की लीड हमारी फिर से जा रही है, और यहाँ पे मैंने भाई को फिर से डाउन किया, फिर से डाउन करने लगा, लेकिन नहीं हुआ, लेकिन कोई बात नहीं, एक और बार बेइज्जती, मतलब एक और बुलेट वेस्ट हो गई, और यहाँ से आ सकते हैं, आए, मिस हो गई गाइस। ये वाला किल था, ओ भैंस की दुम, मज़े का था गाइस, है ना। अगर अच्छा मुझे बताओ, भैंस को मतलब भैंस क्या होती है, मतलब शायद से बहुत लोगों को नहीं पता हो, व्हाट इज़ भैंस, टेल मी व्हाट इज़ भैंस इन द कमेंट्स गाइस, सस्ती इंग्लिश विद एनोनिमस। तो देखते हैं किस किन लोगों को पता है, लेकिन उनका और नाम बता सकते हो आप, कि और नाम क्या क्या होते हैं, ठा करके लगा। तो अब एक दूसरे कमेंट रीड करना गाइस, मज़ा आएगा। एक और बार हम मर चुके हैं, यहाँ पे हमारी बैंड बच चुकी है, लेकिन अब जो है वो हम नहीं मरेंगे, अब हम ट्राई करेंगे कि आखिरी किल हमें मिले बाबा जी, और कमेंट करो कि हमें आखिरी किल मिल सकता है नहीं, क्योंकि हमारे सारे टीममेट्स आगे थे। कमेंट करके बताओ मिलेगा या नहीं मिलेगा गाइस, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिलेगा या मिल गया, ओके नाइस बॉयज एंड गर्ल्स। तो गाइस उसके बाद हम ट्राई करने वाले हैं ये वाली गन जो कि आ चुकी है पबजी में नई, और देखेंगे कैसी है, काफ़ी ऑसम लग रही है। और गाइस ये वाली गन मैं कहीं देख रखी है, शायद से मैं वहाँ देखी थी जब मैं IJ खेलता था, सिंपल वाली IJ। हाँ ये बिल्कुल वैसी गन है, उसका नाम हैमर था, थॉर हैमर था शायद से नहीं, थॉर हैमर तो 8 बॉल पुल की क्यू थी, बट हाँ वो हैमर करके कुछ नाम था उस गन का, IJ में आती थी, उस जैसी है ये गन, और मैं ये वाली यूज़ करने वाला हूँ। देखेंगे भाई ये गन कैसी है, इस गेम में कैसा काम करती है। नेट निकाला, नेट फेंकूँगा, लेकिन फटेगा नहीं तो हमारी एक और बार बेइज्जती हो जाएगी। ओके तो डैमेज तो ठीक है गाइस, इतना बुरा डैमेज नहीं है, आयरन साइड भी AKM जैसा है, इतना बुरा नहीं है, बट मेरे को क्या चीज़ ठीक नहीं लगी इस गन की, वो है इसका रीलोडिंग टाइम, जो DP जितना रीलोडिंग टाइम लेता है, और एक्सटेंडेड लगाने की ज़रूरत नहीं है, सही है, अच्छी बात है कि 50 MO है, बट ओके यहाँ मैंने हेडशॉट भी मारा, इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है गाइस, और रीलोडिंग टाइम भी बुरा है, वो तो चलो आपके एम पे डिपेंड करता है, मैं ग्रोज़ा वालों को मार रहा था इससे, बट बुरी बात यह गाइस इसका रीलोडिंग टाइम बहुत ज़्यादा था, और इसका ना डैमेज भी इतना नहीं है। और यहाँ पे तो गाइस मैंने तुक्के पे लाइक वहीं पे फायरिंग कर रहा था, पीछे आ रहा था, मुझे पता नहीं चला, पता नहीं कैसे मार दिया। और ये गाइस ये बंदा हैकर है, मैं बताता हूँ कैसे, ये देखना अभी यहाँ पर आप देखना, ये देखो मैं कवर में हूँ, ठीक है, अभी भी कवर में हूँ ओके। और ये देखो मुझे मारा किसने, इस बंदे ने, अब मुझे बताओ कैसे मार दिया। ये इसका पिंग बहुत ही घटिया आ रहा था, इसने पता नहीं कि सदियों पहले मुझे मारा होगा, गोलियां भी आके लग गई। अब ये बात भी मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बताओ वो वाइट वाला हैकर है या नहीं है, ये क्या हुआ, क्योंकि वो एंगल तो बन ही नहीं रहा था गाइस, किसी भी एंगल से वो नहीं बन रहा था, दो कंटेनर्स हैं आगे, उस बंदे ने फिर भी मार दिया। तो आप मुझे कमेंट करके बताना वो हैकर है या नहीं है, मुझे लगा कि हाँ हैकर है।
तो गाइस उसके बाद हम आगे बढ़े, ये वाला बंदा डाउन किया। अच्छा कमेंट करोगे ना तो ये करना कि वाइट वाला हैकर है, वरना हमारी पाकिस्तानी आवाम इतनी सादी है, ये जो नए बंदे आते हैं वो इतने सादे हैं। आप कमेंट करोगे ना हैकर है तो उनको लगेगा लाइक मुझे हैकर बोल रहे हैं। नहीं मतलब क्या, मुझे पता इतनी सादी आवाम भी होती है गाइस ऐसे, है ना। लाइक अब मैंने सवाल किया, ठीक है, आपने उसका जवाब दिया और लोग ना लाइक आप करोगे ना हैकर है, अब मुझे पता आपने जवाब दिया इस सवाल का, लेकिन वो समझेंगे गेम प्ले जो जो खेल रहा है वो हैकर है। तो इतनी सादी आवाम भी होती है। तो प्लीज़ आप पूरा लिखना कि वाइट सूट वाला हैकर है, वरना हमारी बेइज्जती हो जाएगी। और क्या, ये वाला बंदा भी डाउन किया। हमारी लीड बहुत अच्छी जा रही थी और मैं ट्राई कर रहा था MVP आ जाओ, हमारी हेल्थ कम हो चुकी है, यहाँ पे आके हेल्थ पूरी करेंगे गाइस अपनी। और हेल्थ पूरी होने के बाद अब यहाँ पे हमने ये वाला बंदा भी डाउन कर दिया। काफ़ी टाइम ले रहा है गाइस, काफ़ी गोलियाँ लग रही हैं, फिर जाके मर रहा है। और यहाँ पे हमें मिली विक्टोरी और 12 किल पे हमें मिल भी गया, MVP मिल गया हमें, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। तो गाइस वीडियो कैसी लगी लाइक सब्सक्राइब शेयर करके कमेंट्स में जरूर बताना। मेरी कोई बात बुरी लगे तो माफ़ कर देना, अच्छी लगे तो ऐसे ही प्यार करते रहना, प्यार दिखाते रहना, सपोर्ट करते रहना। अनॉनिमस की पब्लिक इंस्टाग्राम पे फॉलो कर देना गाइस, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। रमज़ान करीम है, मुझे अपनी दुआ में याद रखना। और इंशाल्लाह मिलेंगे गाइस नेक्स्ट वीडियो में कल। लव यू अनॉनिमस की पब्लिक, अल्लाह हाफिज़।